बाद मुस्लिम समाज थोड़ा आप ये मानते हैं बाबरी मस्जिद गलत गिराई गई? हाँ, तो मुझे लगता है कि भाई बाबरी मस्जिद का जो स्टेटस था वो मस्जिद का स्टेटस था, उनको गिराने की कोई आवश्यकता नहीं थी और बाबरी मस्जिद जहाँ थी वहाँ होनी चाहिए थी। और अगर उनको राम मंदिर बनाने तो आजू बाजू में बना सकते, अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए किसका विरोध नहीं है, लेकिन जो कुछ हुआ है ये गलत हुआ और इसीलिए अपने देश में आतंकवाद बढ़ गया, कुछ मुस्लिम लड़कों के दिमाग में एक गुस्सा पैदा हो गया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बाबरी मस्जिद को गिराना ये अपने देश की एकता को गिराने की बात थी और ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपने जो अपने बयान में कहा है कि बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद में कुछ मुसलमान जो लड़के हैं वो उनका ही ये काम है, तो क्या इसका चंद लोगों से ताल्लुक है या पूरे मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक है? मुझे लगता है मुस्लिम कम्युनिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब जो मैंने बोला कि जो मुंबई में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसमें मुस्लिम लड़के मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मुस्लिम आवाम ने उनको बताया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मुस्लिम लड़के जरूर मिले, लेकिन जिन्होंने मतलब जिन्होंने ये काम किया है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद मैं इतना बताना चाहता हूँ, मैं यही बताना चाहता था कि मुंबई में उसके बाद 1992-93 के बाद बिल्कुल हिंदू मुस्लिम दंगे हुए नहीं है। मतलब वो मुस्लिम लड़के उसमें मिले भी, वो मेरा मतलब जो एक्टिविटीज में मिले भी, तो भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हिंदू मुसलमानों में आमन रखने की आवश्यकता है और आतंकवाद को बढ़ावा न देना। ये मुस्लिम समाज के भी लोग बहुत अच्छी तरह भूमिका ले रहे हैं कि भाई जिन्होंने किया होगा, अभी हिंदू समाज के भी कुछ लोग मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट में मिले हैं, तो आतंकवादी कोई मजहब का होता नहीं, हिंदू हो या मुसलमान हो या दलित हो, जिन्होंने जो गलत काम किया है उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए, लेकिन दूसरों को उसके बारे में तकलीफ देना ये बात अच्छी नहीं है। और इसीलिए मुस्लिम कम्युनिटी में थोड़ा गुस्सा इस बात का है कि जो गुनेगार है उनको छोड़कर तो दूसरे लोगों को ही अरेस्ट करते हैं और उनको दो दो साल तीन तीन साल जेल में डालते हैं, तो इसलिए थोड़ा गुस्सा है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और मैंने बहुत बार मांग किया है कि इनोसेंट लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए और यही काम सरकार ने करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रामदास अठावले साहब। और यही रामदास अठावले जी का ये कहना है, साफ तौर से ये कहना है हमारे पॉलिटिकल न्यूज एडिटर सैयद जाहिद हसन के एक सवाल के जवाब में साफ कर दिया अपनी बात में, जहां वो एक बार ऐसे नजर आ रहे थे कि जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने बेबाकी से इस बात का भी जवाब दिया कि जो गुनहगार है उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी कोई आतंकवादी होता है या आतंकवाद करता है उसका कोई धर्म या मजहब नहीं होता। कैमरामैन उमर अनीस, मेरा सहयोगी सैयद जाहिद हसन के साथ में आसिफ खान, मीम न्यूज के लिए।